देश के कई हिस्सों में महामारी का रूप धर चुके कोरोना वायरस के बचाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री द्वारा देश के 21 दिनों के लॉकआउट के दौरान देश के हजारों दैनिक मजदूरों, कामगारों और गरीबों के खाने पीने का संकट पैदा हो गया है। ऐसे मौके पर प्रयागराज पुलिस इन लोगों का सहारा बनकर सामने आई और अपनी ड्यूटी के साथ ही हजारों लोगों को दिन प्रतिदिन भोजन की भी व्यवस्था करवा रही है। प्रयागराज के SP सिटी कहते हैं कि पूरे जनपद में जहां से भी भोजन पानी की मांग हो रही है उसे पूरा करवाया जा रहा है। उन्होंने अपील की कि प्रयागराज के लोग भी आगे आएं और जरूरतमंदों की मदद करके एक नई मिसाल पेश करें। लॉकडाउन चल रहा है 21 दिनों का, ऐसे में जो दैनिक भोगी है और इस तरह का जो लेबर क्लास है हमारा या जिनका दिन प्रतिदिन के ठेला लगा करके काम चलता था, उनके सामने आजीविका का संकट है इतनी समय, और इसलिए हम लोगों ने मिलजुल करके और तमाम समाजसेवी संगठन भी ऐसे आए हुए हैं जो इतनी समय ऐसे लोगों को खाना उपलब्ध करा रहे हैं। उसी क्रम में हम लोग जो लोग कुछ लोग पैदल ही चल दिए थे अपने अपने घरों के लिए, उनको हम लोगों ने समझा बुझा करके रैन बसेरे में रोका है और उनके उनका जो मेडिकल फैसिलिटी है उसको दी जा रही है, उनको सुबह और शाम का खाना उपलब्ध कराया जा रहा है और हम लोग इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहे हैं कि कहीं भी कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे। इस बारे में आपको बताना चाहेंगे कि जो भी हमारे थाना प्रभारी हैं, जो भी चौकी इंचार्ज हैं, जो सर्किल ऑफिसर्स हैं, वो भ्रमण के दौरान स्वयं देखते हैं कि कहाँ इस तरह के लोग जो नीडी हैं, जिनको आवश्यकता है भोजन की, वो फंसे हुए हैं, रुके हुए हैं, और वो कंट्रोल रूम के माध्यम से या टेलीफोन के माध्यम से अवगत कराते हैं और हम लोग उनको खाने का पैकेट भिजवा रहे हैं। सर, एक अपील कर दीजिए प्रयागराजवासियों के लिए। प्रयागराजवासियों से यही अपील है कि इतनी समय इस संकट के समय वो देखें और कम से कम जैसा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अपील भी है कि एक व्यक्ति कम से कम 9 परिवारों का ध्यान रखे, तो इस चीज़ को अगर सारे लोग करेंगे तो कोई भी